लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पूजनीय पिताजी, ये है वो अपराधी जिसने हमारी सोनिया का अपहरण करने की चेष्टा की। ये मेरा अपमान है, इसलिए मैं इसे बलपूर्वक पकड़कर यहाँ लाया हूँ। आप कृपया इसे उसी दंड दीजिए। कीनिया में आके मेरी कन्या पर डाली इसने कुदृष्टि। ओ, आकाश भारद्वाज, अजगर तो शिकार खुद ब खुद अजगर के मुंह में आ गया। चरंजीव, तुमने पहली बार सलाहियत का काम किया है, अब हम इसकी आत्मा को भी इसके भाइयों की आत्माओं के पास पहुंचा देंगे। अजगर जुर्रत, तो तू भारत छोड़कर यहाँ भागाया था? अब समझ में आया कि प्रभात मुझे यहाँ क्यों लाया है। तुम तो समझ गए, लेकिन तुम्हारा बेवकूफ दोस्त नहीं समझा कि तुम दोनों को मौत यहाँ खींच लाई है। देखो कैसे मंकी की जैसे लटका हुआ है। क्यों? पिताजी, वो तो पवन की झोंके की तरफ पलायन हो गए, अब क्या करें? डैड, इनका पीछा करते हैं। हाँ। नहीं, अजगर अपने शिकार को डसकर नहीं मारता, बल्कि उसे अपनी लपेट में जकड़कर उसकी हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उसकी सांसों का गुबार निकाल देता है। आज मैं अपनी नजरों में अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगा। प्रभात, तुमसे मैं हमेशा नफरत करता रहा, हमेशा इस कोशिश में रहा कि तुम्हारी जिंदगी को मौत में बदल दूं, लेकिन आज इस खतरनाक मोड़ पर तुमने मेरे लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। आकाश, तुम्हारे भाइयों की मौत मेरे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ था, इसलिए मैं तुम्हें यहां ले आया ताकि तुम उनके कातिलों से बदला ले सको। मैं जानता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत है, तुम्हारी जगह मैं होता मैं भी यही करता। और एक एहसान करोगे मुझ पर, इस दुनिया में अब मेरा अपना कोई नहीं रहा, मुझे अपना दोस्त अपना भाई बना लोगे प्रभात? जब एक भाई दूसरे भाई से गले मिलता है तो एहसान लफ्ज पीठ से निकाल देता है। ये लड़के आकाश और प्रभात यहां क्यों आए हैं और आप इनकी क्यों मदद कर रहे हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप इनसे खबरदार जरूर रहिएगा, क्योंकि इनमें से एक सस्पेंडेड पुलिस इंस्पेक्टर है और दूसरा प्रोफेशनल मुजरिम। उन्होंने हमारी प्रेसी सोनिया के साथ अभद्र व्यवहार करने की चेष्टा की, वो तो हमने अपने नेत्रों से आपको उनके साथ हमारे डिस्को बबल में देखा था, इसीलिए हम साइलेंट रहे, नहीं तो हमने। शांति तपस्वी जी, शांति, हमें पुलिस की कार्रवाई में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं जी, सॉरी सर। सर, ये तस्वीर किसकी है? ये मेरी बच्ची है और वो मेरी स्वर्गीय पत्नी। सॉरी। बच्ची बड़ी प्यारी है आपकी। थैंक यू। खैर, मैं आप लोगों की रिपोर्ट दर्ज कर लेता हूं, आइंदा आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। शुक्रिया। यू वेलकम। डैड, ये इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप उन दोनों से हमारे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वो कैसे? आपको याद है 2 साल पहले तपस्वी के ऑफिस के 5th फ्लोर से एक लड़की ने कूद कर मेरे कारण आत्महत्या की थी और पुलिस ने बहुत जोरों से उसकी इंक्वायरी की थी। हाँ हाँ, वो न्यूज समाचार पत्रों की हेडलाइंस बन गई थी जिसे हमने धरती में गाड़ दिया था। You're right. Dad, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप की बीवी थी। हे प्रभु, वो कीनिया का सबसे कठोर और वीर पुलिस वाला है, वास्तविकता जानने के बाद हम लोगों का जीना दुभर कर देगा। समझा, तो इसमें घबराने की क्या बात है? अरे अजगर जुर्राट के बेटे हो तुम, अब मेरी तरकीब जरा ध्यान से सुनो।
पहले हम उस धर्मात्मा इंस्पेक्टर की मदद से उन दोनों की आत्माओं को परमात्मा के पास पहुंचा देंगे और फिर उसी धर्मात्मा इंस्पेक्टर की आत्मा को मुक्ति उसके शरीर से दिलवा देंगे। बस उसके बाद सिर्फ हमारी आत्माएं ही राज करेंगी इस विश्व पर और वो कहलाएंगी विश्व आत्मा। साथियों, तुम सबको जानकर खुशी होगी हिंदुस्तान के ब्लू पैंथर्स कल हमारे लिए कोई खास चीज लेकर आ रहे हैं। पूजनीय पिताजी। हाँ चिरंजीव। ब्लू पैंथर गैंग हमारे लिए कौन सी विशेष वस्तु लेकर आ रहे हैं? ये तो उनके आने पर ही पता लगेगा। डैड, उनके बारे में बाद में सोचिए, पहले इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप का भरोसा किस तरह जीतना है ये सोचिए। सोचना क्या है, जैसा देश वैसा भेस, ईमानदार के सामने ईमानदार बन जाएंगे, क्यों मत। अति उत्तम पूजनीय पिताजी, अति उत्तम। समय से आगमन हुआ है नीले तेंदुए गिरोह का। नीले तेंदुए, हेलो असगर साहब। हेलो असगर साहब, वेलकम टू केनिया ब्लू पैंथर। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या खास चीज लाए हो? ये ओरिजिनल कास्ट और असली डाई है असगर साहब, इससे आप 100 रुपए के नोट जिंदगी भर छाप सकते हैं। हम लोग बहुत खतरा मोल लेकर बड़ी चलाकी से चुरा कर लाए इसे, ताकि आप यहाँ इंडियन नोट छापने की फैक्ट्री खोल सके। और हम इतनी चलाकी से इंडियन मार्केट में चलाएंगे कि लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट में नकली नोट चल रहे हैं। ए डैड, अब तो हम यहीं पर बैठे बैठे पूरी इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते। कुछ नहीं है पिताजी, ये मुद्रा साचा देख के मैं भाव भी बोल रहा हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं अभी से कार्यान्वित करवा देता हूँ। नीलू ब्रदर्स, हम तुम्हारे इस प्लान से बहुत खुश हुए। आज से तुम लोग हमारा बाजू बनकर रहोगे। आज रात पार्टी से पहले हम इसका सैंपल छाप कर देखेंगे। मिस्टर अजगर, जो रात से तो तुम मिल चुके हो, ये यहाँ के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, हमको दावतें यहाँ हैं। सूर्य प्रताप साहब, मैं पिछले 20 साल से अपना भारतवर्ष छोड़कर इस देश में रह रहा हूं, लेकिन अपनी जमीन को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाता। इसीलिए इस साल मैं यहां भारतीय एकता दिवस मनाने का सोच रहा हूं, जिसमें सब भारतीय एक दूसरे के गले मिलकर अपनी खुशी का, अपनी एकता का इजहार करेंगे। मैं आप लोगों को खास दावत देने के लिए आया हूं, आप लोग आइएगा जरूर। ये तो हमारे लिए भारत दर्शन से कम नहीं है, हम लोग जरूर आएंगे। क्यों सर? आई अंडरस्टैंड, हम लोग जरूर आएंगे मिस्टर चौरान। जल्दी चलिए, रेनू का इंतजार कर रही होगी। ओए, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार, ये सज धज के कहाँ जाने का इरादा है आपका? इंस्पेक्टर, आपको नहीं पता आज भारतीय एकता दिवस मनाया जा रहा, हम लोग वहीं जा रहे। लगता आप भी वहीं जा रहे। जी हाँ, कितनी खुशी की बात है इंस्पेक्टर, विदेश में सारे भारतीय इकट्ठे हो रहे हैं और भारतीय होने के नाते हमारा भी वहाँ जाना फर्ज बनता है ना? जी नहीं, आप लोग वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि आप दोनों की हरकतों को देखते हुए कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया है कि आप रात के वक्त कहीं नहीं जाएंगे, और आपको रोकने के लिए उन्होंने पुलिस के स्पेशल गार्ड भेजे। स्पेशल गार्ड, स्पेशल गार्ड। नमस्कार। एक कुत्ते है या शेर है? अब क्या करें? वाह वाह, कोई चार आंखों से देखकर भी आसानी से नहीं बता सकता कि ये नोट असली है या नकली। आज रात की पार्टी के बाद यहां मैं भारत का देशभक्त कहलाऊंगा और वहां देश को भ्रष्ट करूंगा। सर, कितने उच्च विचार हैं श्री अजगर के। नमस्कार अजगर साहब। नमस्कार। स्वागतम स्वागतम जनाब कमिश्नर साहब और इंस्पेक्टर सूर्य प्रताप जी, आपके आने से तो इस महफिल में रौनक आ गई। शुक्रिया,
ये तो आपका बड़प्पन है जुर्राट साहब, कि अपने देश से इतनी दूर रहते हुए भी देश प्रेम का दिया आपने सीने में जलाए रखा है। रेणुका जी आप? नमस्ते। हिंदुस्तान से मेरे कुछ दोस्त आए हुए हैं। ये है महाराजा हुकम सिंह बादलपुर के, आप है महारानी काली और आप है नवाब हैदर चंगेजी रंजिशगंज के। आज हिंदुस्तान में इनसे ज्यादा रईस और कोई भी नहीं। पूछनी है पिताजी, ये तो बहुत संपत्ति वाली बाल्टी है, मेरे कशीनों में काम आएगी। राजा साहब, नवाब साहब, स्वागतम। मैं अजगर जुर्राट हूँ। भारत की याद में इस महफिल का एहतमाम मैंने ही किया है। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हासिल हो रही है। एहसास खुशी तो हमें भी बहुत हो रही है आपके जुल्फों की पेचोखम को देखकर। जी जनाब, ये खुश इसलिए हैं क्योंकि इनके अब्बा हजूर की चौथी बेगम के बाल भी आपके बालों की तरह दिल फरेब थे। सोनिया, इस परिधान में तो तुम अत्यधिक सुंदर लग रही हो। और सर, इट्स अ पगड़ी। व्हाट पगड़ी सर? इट्स अ डिफरेंट। एक्सक्यूज मी, महाराज है और नवाब, आपके चेहरे से सूर्य का प्रताप झलक रहा है, वो भी पूरब के सूर्य का। आपने कभी भारत भ्रमण किया है? नहीं राजा साहब, अभी तक तो नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि एक बार भारत जरूर जाऊं। ख्वाहिश? तो फिर 3 सितारे लगाकर यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी सरकार से छुट्टी लो और भारत घूमकर अपने मन को शांत करो। क्यों नवाब साहब? लेकिन आपको कैसे मालूम कि मेरे 3 सितारे? क्योंकि महाराज भूकंप सिंह के राजमहल के दाहिनी ओर से ताजमहल और कुतुब मीनार नजर आता है, और बाईं ओर से दिल्ली का लाल किला एंड कलकत्ता हावड़ा ब्रिज, और आगे से हैदराबाद का चार मीनार और पीछे से लखनऊ का इमामबाड़ा। पीछे से तो पूरा भारत दिखाई देता है। तो फिर आपके 3 सितारे हमें क्यों नहीं दिखाई देंगे? ये दोनों तो शुरू ही हो गए, लपेटते ही जा रहे हैं। आप इंस्पेक्टर साहब को वहाँ से हटाइए, अगर उन्हें शक हो गया तो हमारा भांडा ही फूट जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, एक मिनट सुनिएगा। मुझसे? जरूर जरूर, चलिए। महाराज, आपसे मिलकर घनघोर प्रसन्नता हुई। मिलकर? नीच, तू है कौन? नीच नहीं महाराज, मैं तपस्वी गुंजाल। मेरा यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है, होटल्स, कैसीनोज। आप लोग मेरे द्यूत क्रीड़ा केंद्र में पधार कर सेवा का मौका दें। बरखुरदार, मुझे जुआ खेलने का कोई शौक नहीं, ये डिपार्टमेंट महाराज साहब का। मुझे तो अपनी बेगमात की तादाद बढ़ाने का शौक है। क्या नाम है तुम्हारा? नवाब साहब, ये मेरी होने वाली धर्म पत्नी सोनिया। लाहौल बिला, मुझे लगा ये आपकी बेटी है। छी छी, माफ कीजिए। आज इस लिबास में आप बिल्कुल हिंदुस्तानी लग रहे हैं। अच्छा। कभी कभी मेरे लिए भी मौका निकाल लिया कीजिए ना। अरे, आपके लिए तो मौका ही मौका है। लीजिए। जी नहीं, मैं शराब नहीं पीता। कभी कभी इंसान को दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। आज इसे पीकर नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए और पुराने हम भुला दीजिए। मैं आपके साथ हूँ, लीजिए। नई जिंदगी की शुरुआत? मैं आपकी ख्वाहिश नहीं ठुकरा सकता। शुक्रिया। अब ठीक तो है ना? अच्छा, सूर्य प्रताप ड्रिंकिंग, आई अंडरस्टैंड। क्या देख रहे हैं आप? बहुत अच्छी है। क्या आपकी बिंदिया? शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। नहीं नहीं, आपकी बिंदिया 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 मनमोहक। क्या आपकी बिंदिया? लगता है आप कहना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। जी नहीं। जी हाँ, जो आपके दिल में है कह दीजिए ना।
कह दूं